स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि डीएनए के आप लोगों के जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम द डिफाइनिंग इन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये क्या कह रहा है कि भाई डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उसमें क्या क्या कन्वर्जेशन होते हैं डिफाइनिंग यूनिट के अंदर, आप लोगों के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव द अपोजिट पोलैरिटी। वो क्या कह रहा है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी है, यानी अगर हम लोग बात करें तो एक स्ट्रैंड तो 5' to 3' है, तो दूसरा 3 to 5' है, तो दूसरा क्या होगा 5 to 3' इस तरीके से होगी, ठीक है ना। ये इसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है, 5 to 3', तो ये इसकी होगी 3 to 5' इस तरीके से। तो ये पोलैरिटी इनकी अलग अलग है, ठीक है, डीएनए की स्ट्रैंड की जो है उनकी पोलैरिटी क्या है अलग अलग होती है। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, पोलैरिटी एट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज़ द पॉलीमराइज़ेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, वो केवल सेम डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन के अंदर क्या है कि पॉलीमराइजेशन को कैरी करता है, दैट द 5' to 3'। अब जो 5 to 3' का स्ट्रैंड है दैट हैज़ द पोलैरिटी 3 to 5' एक्ट एज अ टेम्पलेट। वो क्या है कि एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक आधार की तरह काम करता है, एंड ऑल्सो रेफर्ड एज अ टेम्पलेट स्टैंड। इसे आप लोग टेम्पलेट स्टैंड बोलते हो, ठीक है। द अदर स्टैंड विच हैज़ द पोलैरिटी, दूसरा स्टैंड, अब टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होती है 3 to 5' डायरेक्शन, अदर स्टैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5 to 3', जिसकी 5 to 3' पोलैरिटी होती है, एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, जिसका सीक्वेंस आरएनए के सेम होता है एक्सेप्ट थायमिन, थायमिन को छोड़कर एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, यानी कि उसमें थायमिन की जगह क्या होगा यूरासिल होगा, क्लियर है। इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेंजली द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। अच्छा, वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो तो ठीक है आरएनए एमआरएनए बनाएगा, और जिस जो किसी को कोड नहीं करता उसे आप लोग क्या बोलते हो कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। ऑल दिस रेफरेंस पॉइंट वेल द डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड फॉर द कोडिंग स्ट्रैंड टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड ब्लू, क्लियर है। अब देखो, इसमें टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का है। अब यहाँ पर एडीनिन की जगह डीएनए में थाइमिन है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन का इसका कोडिंग का अपोजिट क्या होगा, कोडिंग का अपोजिट यहाँ पर तो ए होगा, लेकिन जो ये ए है इस ए की जगह यहाँ पर यू होगा बाइंड होने के लिए, ठीक है, ए यू जी सी, ठीक है, क्लियर है। दूसरा है आप लोगों का ए यू जी सी इस तरीके से, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ठीक है, ए यू जी सी, इस तरीके से पूरा का पूरा स्टैंड बनेगा। ओके, अब बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल जीन के अंदर क्या ओरिजिन होता है। देखो, ऊपर वाले जीन जो है वो टेम्पलेट स्टैंड है, जिसकी 3 to 5' को वो है डायरेक्शन है, ठीक है, 5 to 3' डायरेक्शन है, और नीचे कोडिंग स्टैंड है। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर दो टाइप के आप लोगों के होते हैं, एक तो प्रमोटर होता है, प्रमोटर मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, और टर्मिनेटर क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट बंद करता है, और स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये बीच वाला पार्ट जहां से आप लोगों का एमआरएनए बनना है, ठीक है। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ होते हैं, उनके बीच का जो रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कही जाती है। ओके, प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड ऑन द टुवर्ड द 5' एंड, यानी कि ये 5' एंड की तरफ होगा, ठीक है, होगा टुवर्ड द 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन द रेफरेंस मेड विद। अच्छा, कोडिंग की बात करें, कोडिंग के 5' वाले हिस्से में होगा, और जो आप लोगों का टर्मिनेटर है उस टेम्पलेट उसका 3' वाले हिस्से में होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। पोलैरिटी वो तो कोडिंग स्ट्रैंड, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए क्या देता है बेटा, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ओके, हाँ, आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर है। आगे देखो, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, बाय स्विचिंग इस पोजीशन, इसकी पोजीशन अगर हम लोग चेंज कर दें विद द टर्मिनेटर द डिफाइनिंग कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वुड बी रिजर्व। अच्छा, इसकी पोजीशन आप लोग चेंज कर दो तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है वो रिजर्व किए जा सकते हैं। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3rd point एंड डाउन स्ट्रीम एंड द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट इज यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के एंड के अंदर होता है। देर आर एडिशनल रेगुलेटर, भाई कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर, ठीक है ना। अब एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो कि फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रमोटर के अंदर होते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड वाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, जो जीन रेगुलेशन के एक्सप्रेशन को बेटा क्या करती है, डील करती है। अब है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ठीक है। अब जीन क्या होती है बेटा, जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं जो इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है। दो देर इज नो एम्बिग्यूटी, यानी कि इसमें कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, बट डीएनए जो के ऊपर जीन लोकेटेड होती है, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अच्छा, किसी भी जीन को डीएनए सीक्वेंस की टर्म के अंदर डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरएनए, टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के लिए जो डीएनए सीक्वेंस कोड करता है ऑल्सो डिफाइन अ जीन
वो एक जीन को डिफाइन करता है। हाउएवर यद्यपि बाय डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन की बात करें एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, ए स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक स्ट्रक्चरल जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर उसे आप लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हो, यानी कि मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन क्या होती है? जीन की वो इकाई जिससे प्रोटीन बनता है। अब अगर एक टाइप की प्रोटीन बनती है तो सिंगल टाइप की यूनिट है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और यूकैरियोट में बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी कि जिसमें बहुत सारी बैक्टीरिया वगैरह में होती है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव द इंटरप्ट द कोडिंग सीक्वेंस इन जीन यूकैरियोटिक आर स्प्लिट द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सपोर्ट। अब पता क्या करें, इस सिस्ट्रॉन में भी दो यूनिट होती है, एक तो कोडिंग है और एक नॉन कोडिंग है। कोडिंग पार्ट को आप लोग एक्सोन बोलते हो, कोडिंग सीक्वेंस वो होते हैं जिनके पास प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास प्रोटीन बनाने के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक्सोन्स आर सेट टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर टू मैच्योर और प्रोसेस द एमआरएनए, और एक्सोन्स वो सीक्वेंस होते हैं जो कि मैच्योर एमआरएनए के अंदर होते हैं। एक्सोन्स आर इंटरप्ट बाय द इंट्रॉन्स, एक्सोन्स जो होते हैं उनको इंट्रॉन से इंटरप्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इंट्रॉन्स जो है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नू नॉट अपियर इन द मैच्योर प्रोसेस आरएनए, दे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डिफाइनिंग द जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करें, ऑल्सो इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रमोटर, वो एक प्रमोटर के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। एंड रेगुलरली सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन, और एक स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस है, हेंस इसीलिए समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर आइसोलेटेड डिफाइंड एज अ रेगुलेटरी जीन्स। अच्छा, वो लूजली रेगुलेटरी सीक्वेंस को आप लोग रेगुलेटरी जीन्स बोलते हो, ठीक है। इवन दो दीज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो होते हैं डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, ये किसी भी आरएनए और प्रोटीन को कोड नहीं करता है, ओके। टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ आरएनए, तीन मेन टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होते हैं, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन अ सेल, किसी भी सेल में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रिक्वायर है। एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, एमआरएनए जो टेम्पलेट की प्रोवाइड करता है आधार, टीआरएनए ब्रिंग द अमीनो एसिड्स, टीआरएनए जो अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड कराता है, एंड रीड द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। आरआरएनए प्ले द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, आरआरएनए जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन के दौरान, ठीक है। देर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अच्छा यहाँ पर एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दैट कैटलाइज द ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आरएनए बनाने को कैटलाइज करता है इन ऑल ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया। द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर रीजन के ऊपर जाकर जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन को जोड़ेगा। इट यूजेस, ये काम में लेता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपी एज सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट की तरह, एक क्रियाधार की तरह, एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, और एक टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन यानी कि टेम्पलेट के आधार के ऊपर काम करता है, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, और किस रूल को फॉलो करता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल को फॉलो करता है। इन इट सम हाउ कभी कभी ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, ठीक है, एंड कंटिन्यू। अच्छा डीएनए जो है वो क्या करता है कि नॉर्मली भाई हेलिक्स को ओपन करने की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या इनिशिएट करता है, लेकिन ये डीएनए पॉलीमराइज क्या कर रहा है, इनिशिएट करने के साथ साथ कभी कभी समहाउ मतलब कभी कभी ये क्या करता है, डीएनए की नॉर्मली जो ओपनिंग है हेलिक्स की, हेलिक्स की ओपनिंग को दर्शाता है, कंटिन्यूस इलोंगेशन को दर्शाता है, ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच की, एक शॉर्ट स्ट्रेच की बात करें, छोटा टुकड़ा है आरएनए का रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जाके जुड़ता है। वंस द पॉलीमरेज, एक बार जो पॉलीमरेज है रीच एट द टर्मिनेटर रीजन, जो टर्मिनेटर रीजन के पास जाके जुड़ जाता है, द नेसेंट आरएनए फॉल ऑफ, जो नज़दीकी आरएनए वो टूट जाता है, ठीक है, अगर एक बार, और ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन, और इससे क्या है कि आरएनए, इसे आप लोग क्या बोलते हो, टर्मिनेशन बोलते हो। एंड इंट्रीग्यूटिंग क्वेश्चन, एक सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आता है, इज दैट हाउ द आरएनए पॉलीमरेज, कैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है एबल टू कैटलाइज, वो काम आता है टू कैटलाइज ऑल दीज थ्री स्टेप, ये तीन स्टेप्स को काम करने के लिए, विच आर इनिशिएशन, जो कि इनिशिएशन है, ठीक है, इलोंगेशन है, एंड टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन का रीजन होता है, क्लियर है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैपेबल होता है कैटलाइज करने के लिए, किसको, इलोंगेशन को, इलोंगेशन के प्रोसेस को। इट ऑल्सो ट्रांजिएंटली विद द इनिशिएशन फैक्टर, अच्छा ये इनिशिएशन, अब इनिशिएशन के लिए बेटा ये इनिशिएशन फैक्टर के साथ जाके जुड़ जाता है, और टर्मिनेटर फैक्टर के साथ, अब इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर आईएफ के साथ जाके जुड़ेगा, और टर्मिनेशन के लिए वो रो फैक्टर के साथ जाके जुड़ेगा, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन
विद दीज फैक्टर्स अल्टर मतलब चेंज करता है द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। ठीक है, इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात करें, सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, एमआरएनए में कोई भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ से आप लोगों का जो टॉपिक आता है वो आता है पोस्ट, ये वाला पैराग्राफ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए को एक्टिव फेज में लाने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल के अंदर है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया एंड मेनी टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशन कैन बिगन मच मोर ऑफ द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब। ठीक है ना, अब इसमें क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए को तो बना दिया, अब ये आरएनए जो है एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए क्या होता है, अब अलग अलग टाइप के इसके अंदर आरएनए बनते हैं। काफी बार क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए का जो प्रकर्सर बनाते हैं, जैसे आप लोग हेटरोजीनस, हेटरोजीनस का मतलब पता है क्या है एमआरएनए का, कि एमआरएनए के अंदर अब नॉर्मली इस तरीके से दो यूनिट होती है, ये तो होता है एक्सोन और ये है इंट्रोन, एक्सोन और इंट्रोन। एक्सोन का मतलब क्या है कि जो एमआरएनए के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सोन के अंदर बेसिकली क्या करता है कि वो एमआरएनए, ये एमआरएनए का कोडिंग पार्ट है, क्या पार्ट है, कोडिंग, और ये है नॉन कोडिंग पार्ट। तो जो कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट में क्या है कि बेटा इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जो कैरी कर रहा है उस कोडिंग पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो, अब इसको कॉम्बिनेशन को आप लोग हेट्रोजिनस न्यूक्लियर बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर हम लोग, ठीक है, अब इसको आप लोग मैच्योर एमआरएनए में बनाने के लिए क्या करते हैं, इस एक्सोन को क्या कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। एक्सोन को क्या करते थे बेटा, रिमूव कर देते हैं, और एक्सोन को रिमूव करने के बाद केवल इंट्रोन की जो सॉरी एक्सोन को रिमूव कर देते हैं इंट्रोन से, और केवल एक्सोन जो है वो कोडिंग पार्ट है आप लोग उसको कैरी करके, तो ये होता है मैच्योर एमआरएनए। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन द एक्सोन इंट्रॉन, देखो नॉन फंक्शनल जीन होते हैं इंट्रॉन्स। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि आप लोग स्प्लाइसिंग करो, कट करो, स्प्लाइसिंग का मतलब कट करना, क्या करना होता है कट, तो इसमें इंट्रॉन्स जो रिमूव किया जाता है एक्सोन से और एक्सोन्स को आप लोग जोड़ देते हो। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद कैपिंग और कैपिंग के अंदर क्या करते हो आप लोग, कैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग 5' मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की जो MTP की कैप लगाते हो 5' के ऊपर, और उसे आप लोग टेलिंग करते हो पॉलीआइडिलेशन टेल के थ्रू, जिससे आप लोग मैच्योर एमआरएनए बन सकता है। और मैच्योर एमआरएनए जो है वो जनरली क्या करता है, आप लोगों के ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। देखो कैसे हुआ, पहले एक्सोन और इंट्रोन थे, ये इंट्रोन है और ये एक्सोन है। ठीक है, आए अब हमने क्या किया, स्प्लाइसिंग में, आरएनए स्प्लाइसिंग में हम लोगों ने जो इंट्रोन है इसको रिमूव कर दिया, केवल एक्सोन एक्सोन बचे। ठीक है, पीले वाले एक्सोन बचे, अब इन एक्सोन के अंदर आप लोगों ने क्या किया, दूसरा पॉलीएडिलेशन यानी पॉलीएटेन जोड़ दी, और थर्ड प्राइम के ऊपर 5' के ऊपर आप लोगों ने मिथाइलेटिंग MG 3-फॉस्फेट की, ट्राई फॉस्फेट की आप लोगों ने कैप जोड़ी, जिससे एक मैच्योर एमआरएनए बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, क्लियर है, अगला टॉपिक आता है आपका जेनेटिक कोड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे।